हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया कंस्ट्रक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी चुने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके ऊपर कभी प्लास्टर और कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पत्थर की चुने देख रहे हैं आप, इस पे आपको कभी प्लास्टर या कलर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर 5 साल में एक बार आपको प्लास्टर वाली दीवार पर कलर कराना ही पड़ता है। और ये पत्थर की चुने है, इस पर आपको कभी कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये जो चुनाई चल रही है, ये करने में बहुत मुश्किल है क्योंकि सादी ईंट की चुनाई के बदले इसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। काफ़ी मेहनत से करनी पड़ती है ये चुनाई। ये देखिए, आपके सामने चुनाई चल रही है, इसमें आड़े टेढ़े पत्थर जमा के ऐसे चुनाई करनी पड़ती है। आमतौर पर ईंटों की जो चुनाई होती है उस पर टाइम कम लगता है और जल्दी जल्दी हो जाती है, मगर ये एक ऐसी चुनाई है जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और सामान पत्थर ये भी ज़्यादा खर्च होता है, मगर कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है इससे। ये इस कोने से लगाकर उस कोने तक जो है आपको पूरी लंबाई दिख रही है, ये 80 फीट है। तो हमने क्या किया कि जहाँ बीच बीच में दरवाजे, खिड़की, गेट ये आ रहे, वहीं पर ये सिर्फ पत्थर के कॉलम उठाए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, ऐसी ये प्लेन ऐसी भी लंबी चुने भी आप कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको ईंटों की जो चुने होती है उसके ऊपर आपको प्लास्टर करना पड़ता है। प्लास्टर होने के बाद अच्छा दिखने के लिए या तो बाहर एलिवेशन में आजकल लोग टाइल्स लगाते हैं या कलर करवाते हैं। तो वो कलर अगर 1000 फीट का मकान है तो कलर का खर्चा भी तकरीबन 1 लाख रुपये हो जाता है। तो ये 1 लाख रुपये आप उसी समय इन्वेस्ट करें जब आपका मकान बने। ये चुनाई होने के बाद आपको दिखने में एकदम बढ़िया लगेगी और बहुत अच्छी तरह से दिखती है चुनाई होने के बाद। ये तो अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, काम चल रहा है, इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है। बाकी इसके ऊपर कुछ नहीं होगा अभी, ना प्लास्टर होगा ना कलर होगा। इस पर बस एक दिक्कत है, पानी आता है। तो उस पानी के लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। उस पानी के लिए ऊपर जो ये जगह देख रहे हैं आप, इस पर क्या छाबना डालेंगे, जिसे बोलते हैं हम लैंडर। तो ये RCC में भरने के बाद ये सीधा बाहर निकलेगा 2.5 फीट। तो इस पर क्या, जो बारिश का पानी गिरेगा वो उसके अंदर नहीं जाएगा। दूसरा, ये एक ईंटों की दीवार 9 इंच या 4 इंच में चुनी जाती है, ये थोड़ी चौड़ी होती है, 1.5 फीट चौड़ी चुनी होती है। ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 फीट चौड़ी है इसकी। तो इससे क्या होगा कि बारिश का पानी आएगा तो इस कोने पर अगर टकरा भी जाता है बारिश का पानी, तो वो अंदर होके काफ़ी टाइम लगता है, अंदर नहीं आ पाएगा पानी। तो दोस्तों, आप जब भी मकान बनवाएं अपने घर पे, जो भी आपके इंजीनियर आर्किटेक्ट जो आपको ड्राइंग दे, उनको यही बोलना कि भाई मेरे आउटर जो इतने भी दीवारें हैं वो बाहर मेन करके, खास मेन गेट के वहाँ, एलिवेशन के वहाँ यही दीवार आप चुने करवाएं, ईंटों की मत करवाएं। क्योंकि ईंटों की दीवार चुने करने के बाद आपको प्लास्टर करना पड़ेगा या फिर उस पर टाइल लगानी पड़ेगी या फिर उसके ऊपर आपको प्लास्टर करके कलर करवाना पड़ेगा, तो वो सारा पैसा बच जाएगा। बाद में आप 2 लाख रुपए खर्च करेंगे, हर 5 साल में आपको कलर कराना पड़ेगा। और अभी आपको बस थोड़े से 1 लाख रुपए ज़्यादा करके ये दीवार ऐसी चुनवानी है। तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर ना प्लास्टर ना कलर किसी चीज़ की इस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस थोड़े से ठेकेदार आपसे ज़रूर एक्स्ट्रा पैसा लेंगे ये काम करने का। दोस्तों, ये दोनों चीज़ आपके सामने है। इस तरफ ये देखिए, ईंटों की चुनाई की हुई है। तो इस पर अब क्या करना पड़ेगा, प्लास्टर करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा नहीं दिखेगा। और दूसरा, इस पर सीधा बारिश का पानी आएगा, जो छींटे आएंगे वो अंदर दीवार गीली की गीली रहेगी। तो ये जो आप चुने देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको प्लास्टर करके या तो कलर करवाना पड़ेगा या फिर आपको इसके ऊपर प्लास्टर करके टाइल लगवानी पड़ेगी एलिवेशन की, जो आजकल बाहर बहुत लोग लगवाते हैं। और अब इधर ये देखिए, ये जो पत्थर के पिलर कॉलम जो चुने कर रहे हैं, तो ये दिखने में भी अच्छा दिखता है और आपका काफ़ी फ़ायदा है, काफ़ी पैसे बच जाएंगे इससे। आपको सिर्फ 1 लाख रुपये उससे में आपको ज़्यादा लगाने हैं, बाकी आपको सालों साल देखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, मजबूत बहुत रहती है क्योंकि ये पत्थर की चुनाई है और ईंटों की दीवार तो आप सभी पता ही है, तो कई सालों से चल रहा है। ये देखिए, ये पत्थर की चुनाई है। दोस्तों, जो पुराने मकान बनते थे उस समय फ़र्क ये है, पहले उस समय ऐसी पत्थर की चुनाई करते थे और ऊपर वापस चूना आता था उसका प्लास्टर करते थे, मगर बीच में काफ़ी सालों तक ये ऐसी ईंटों की चुनाई होती थी। तो इस पर वही रेगुलरी काम चलता है कि ईंटों की चुनाई करो, प्लास्टर करो और कलर करो। मगर दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पत्थर की चुनाई, ये अभी लेटेस्ट है।
तो ये अभी नया तरीका निकला है भाई, घर के एलिवेशन के बाहर ऐसी पत्थर की चुनाई करवा दो, दिखने में टाइल जैसा लगेगा, ऐसा लगा जैसे कि कोई आर्टिफिशियल टाइल लगाई है, मगर ये टाइल नहीं है, ये पत्थर की चुनाई है। और इससे काफ़ी कुछ आपका पैसा भी बचेगा, आपको बार बार हर 5 साल में कलर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।